गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? बढ़िया। चलिए, लास्ट क्लास मतलब प्रीवियस लेक्चर, इन दैट आई हैव फिनिश्ड द वेरियस कंसंट्रेशन यूनिट्स, क्लियर है? एंड आई हैव डिवाइडेड दैट कंसंट्रेशन यूनिट्स इन टू पार्ट्स। फर्स्ट वन वाज योर वॉल्यूम डिपेंडेंट एंड द सेकंड वन वाज योर वॉल्यूम इनडिपेंडेंट। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन इंटररिलेशन फॉर्मूला बिटवीन ईच अदर। व्हाट आई एम सेइंग, इंटरमिक्सिंग ऑफ फॉर्मूला। सपोज इफ दे हैव गिवन मी मोलैरिटी, सो हाउ टू फाइंड मोल फ्रैक्शन। सपोज इफ दे हैव गिवन मी मोलैरिटी, हाउ टू फाइंड नॉर्मैलिटी विद द हेल्प ऑफ मोलैरिटी। सो वी आर गोइंग टू सी सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास and that will be really helpful in saving time as well as in getting your answer very quickly. So today's topic is some important formulas. Today's topic is some important formulae. Okay? तो हम जा रहे हैं कुछ सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास को डील करने के लिए। अब देखो इससे क्या होगा, जो हमने आपको लास्ट क्लास में भी फॉर्मूला कुछ बताए थे उससे भी आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या है, थोड़ा आपका टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन जो बच्चे आईआईटी के हैं, आपको पता है 75 क्वेश्चंस आएगा, 3 घंटे समय रहेंगे, और जो बच्चे नीट के लिए फोकस कर रहे हैं उनके लिए 180 क्वेश्चंस रहेंगे और टाइम 3 आवर्स। तो जब तक आप टेक्निक से क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करोगे, आप पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। और याद रखना, अगर आपने एक भी क्वेश्चन छोड़ा तो ऑलमोस्ट आप 15,000 से 20,000 बच्चे से पीछे हो जाओगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जहां हो सके वहां हमें ट्रिक्स भी फॉलो करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहला अगर बात करें रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मैलिटी, सबसे अगर पहले बात करें तो रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी का सिंबल कैपिटल एन एंड नॉर्मैलिटी का सिंबल कैपिटल एन, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मैलिटी। अब देखो बेटा, हमें तो पता है फॉर्मूला होता है नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। क्या होता है, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, और आप क्या लिख सकते हो, मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मैलिटी बाय एन फैक्टर। और मैं आपको प्रीवियस क्लास में एन फैक्टर निकालने को मैंने बहुत सारे लॉजिक बताए थे, याद है, ए बी सी एंड डी, जिसमें हमने ए एंड बी को फॉलो किया था, जिसमें ए स्टैंड्स फॉर एसिडिटी, बी स्टैंड्स फॉर बेसिसिटी। अब देखो बेटा, इसका प्रूफ तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अब ये पहला फॉर्मूला है तो मैं आपको एक प्रूफ दूंगा ये कैसे आया। जैसे देखो नॉर्मैलिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आप देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को आप क्या बोल सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द इक्विवेलेंट वेट, क्या होता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। सो दिस आई कैन राइट, मास ऑफ सॉल्यूट
डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर इनटू वन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखो ये एन फैक्टर कहां पर, नीचे तो ये चला जाएगा ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा, ये फाइनली बन जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ऊपर चला गया एन फैक्टर इंटू वन बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या हो जाएगा, वन बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखो बेटा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी, फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी इज दिस वन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको हम क्या लिखेंगे, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर बराबर नॉर्मेलिटी। अब देखो मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आए, तो अगर आप मोलैरिटी निकाल लिए तो नॉर्मेलिटी के लिए इतना लंबा फॉर्मूला यूज करने का क्या मतलब है, सीधे आप क्या करोगे, मोलैरिटी को मल्टीप्लाई कर दो एन फैक्टर से, क्या आ जाएगा नॉर्मेलिटी। सो दिस इज अ वेरी गुड ट्रिक्स टू सेव योर टाइम। सेकेंड रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन परसेंटेज वेट बाय वेट एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, क्या होता है ये, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी। अब अगर इसका प्रूफ है तुम्हें पता है क्या, डेंसिटी बराबर क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, वेट बाय डेंसिटी, ये इसका प्रूफ है। अब देखो यहां पर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बराबर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम रहेगा, क्या करोगे वेट इनटू डेंसिटी। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है जो आपके एग्जाम में आपके बहुत टाइम सेव करेंगे, नहीं तो कैलकुलेशन में आपके बहुत टाइम जाएंगे। नेक्स्ट जो थर्ड हम जा रहे हैं पढ़ने रिलेशन, वो क्या रहेगा, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी कॉमा परसेंटेज वेट बाय वेट कॉमा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कॉमा डेंसिटी, इनके बीच क्या रिलेशन है। तो क्या होता है रिलेशन, मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 इनटू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आप ये भी लिख सकते हो या परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का क्या होता है वैल्यू, परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी। तो और आप क्या इसको लिख सकते हो, मोलैरिटी बराबर 10 इनटू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये हो गया रिलेशन ऑफ मोलैरिटी एंड परसेंटेज वेट बाय वेट कॉमा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कॉमा डेंसिटी। अगला जो हमें पढ़ना है रिलेशन, माय नेक्स्ट रिलेशन इज रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। जो हमारा नेक्स्ट रहेगा दैट इज माय, ये जैकपॉट का तार फंस रहा है,
नेक्स्ट इज माय रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी. क्या होता है ये? मोलैरिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी. स्मॉल m स्टैंड्स फॉर मोलैरिटी. स्मॉल m स्टैंड्स फॉर मोलैरिटी. कैपिटल m स्टैंड्स फॉर मोलैरिटी. क्लियर है? नेक्स्ट रिलेशन इज रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन. नेक्स्ट इज माय व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल m स्टैंड्स फॉर मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन. क्या होता है? मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. तो आपका एक ये भी फॉर्मूला हो सकता है. दूसरा क्या होगा? जब मैं आपको मोल फ्रैक्शन पढ़ा रहा था उसमें मैंने आपको एक टर्म सिखाया था कि अगर सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं तो दोनों का अगर हम मोल फ्रैक्शन को जोड़ेंगे तो उसका समेशन का वैल्यू 1 आएगा. मतलब अगर एक का मोल फ्रैक्शन एक्स ए है तो दूसरा का क्या होगा मोल फ्रैक्शन? 1 माइनस एक्स ए. सेम हम यहां भी पुट कर सकते हैं कि अगर ये है मोलर मास ऑफ मोल सॉल्यूट तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. क्योंकि आपको पता है कि सिंस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वन. देयरफॉर योर मोलैरिटी कैन बी आल्सो इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. ये हो सकता है. और यू कैन राइट मोलैरिटी इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन यू हैव टू डिसाइड विच वन यू हैव टू यूज. बट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू सेव योर टाइम. एक बार आप इसको पूरा ध्यान से देखें, कॉपी करें एंड एनालाइज करें कैसे हो रहा है. क्लियर? कॉपी. चलो, हमने उम्मीद किया कि आप लोगों ने सब ने इसको कॉपी कर लिया. चलिए अब इसमें हमें और दो टॉपिक रह गए हैं जो हमें डील करना है. वो है डाइल्यूशन फॉर्मूला एंड मिक्सिंग ऑफ मोलैरिटी. चलिए, जो हम नेक्स्ट जा रहे हैं डील करने वो है डाइल्यूशन फॉर्मूला. दैट इज माय डाइल्यूशन फॉर्मूला. व्हेन आई हैव स्टार्टेड द टॉपिक सॉल्यूशन एट दैट टाइम आई टोल्ड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन दैट इज एडिंग मोर एंड मोर ऑफ वाटर. तो व्हेन एवर यू आर एडिंग वाटर to any solution it is known as dilution. So what do you mean by dilution? The process of adding water to the solution is known as
dilution. What I am saying, the process of adding water, the process of adding water to the solution, the process of adding water to the solution is known as dilution, is known as dilution. Clear है? आप देखो, जब आप सॉल्यूशन में कंटिन्यूअस वाटर को डाल रहे हो, अब इसमें आपको तीन क्वेश्चन बनेंगे. पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल्स पर क्या चेंजेस होगा. दूसरा क्वेश्चन, हमारा वॉल्यूम पर क्या चेंज होगा. तीसरा क्वेश्चन, हमारे मोलैरिटी पर क्या चेंज होंगे. अब देखो, इसका आंसर मैं आपसे ही करवाऊंगा. ऑल दिस आंसर विल बी गिवन बाय यू ओनली. देखो कैसे. सपोज अगर ये हमारा एक कंटेनर है जिसमें हमने एक सॉल्यूशन बनाया है. सपोज यू इमेजिन दैट दिस सॉल्यूशन कंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट. व्हाट आई एम सेइंग, व्हाटएवर द सॉल्यूशन आई हैव टेकन इज द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट. आप इमेजिन करो कि इसमें हमने वाटर लिया है और हमने थोड़ा सॉल्ट लिया है NaCl. क्लियर है? चल, नाउ यू आर गोइंग टू एड कंटिन्यूअस वाटर टू इट. आप इसमें कंटिन्यूअस वाटर ऐड किए जा रहे हो. अब हमको ये बताओ, जब आप वाटर ऐड कर रहे हो तो जो मेरा वॉल्यूम का लेवल ये था, अब तो वॉल्यूम यहां तक हो जाएगा, अरे हाँ कि ना. यानी हम क्या बोल सकते हैं कि जब हम डाइल्यूट कर रहे हैं, जब हम पानी ऐड कर रहे हैं, तो माय वॉल्यूम विल इंक्रीज. मतलब जब आप पानी ऐड कर रहे हो तो आपकी वॉल्यूम बढ़ जाएगा. दूसरी चीज, आप यहां केवल पानी ऐड कर रहे हो, आपने इसमें सॉल्ट, नमक, NaCl ऐड नहीं किए हो, तो वेदर आप पानी इसमें ऐड करो अथवा ऐड नहीं करो, हमारे सॉल्ट के क्वांटिटी में क्या कोई चेंज होगा? नहीं होगा. क्यों? क्योंकि जो भी सॉल्ट है, आपने इसको एक बार जितने अमाउंट में डाला है उतना ही सॉल्ट है, क्योंकि उसके बाद आपने केवल वाटर ही डाला है. तो हमारा डाइल्यूशन होने के बाद भी जो सॉल्ट है, यानी हम क्या बोलेंगे, जो हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, दैट इज इक्वल टू अनचेंज्ड, ये चेंज नहीं होगा. और हम क्या बोल सकते हैं, इट इज कॉन्स्टेंट. क्या बोलेंगे, कॉन्स्टेंट. मतलब डाइल्यूशन होने से हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा, मोल विल बी कॉन, मोल ऑफ सॉल्यूट विल बी कॉन्स्टेंट, क्योंकि आप सॉल्यूट का क्वांटिटी नहीं बढ़ा रहे हैं. समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन मोलैरिटी. अब मुझे पता है कि मोलैरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. जब आपने डाइल्यूशन किया तो हमारा वॉल्यूम इंक्रीज किया, तो डेफिनेटली मोलैरिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा. मीन्स व्हाट कैन आई से, कि ऑन डाइल्यूशन हम क्या बोलेंगे, ऑन डाइल्यूशन कैपिटल N स्टैंड्स फॉर मोलैरिटी, ऑन डाइल्यूशन मोलैरिटी डिक्रीजेस. ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको आना चाहिए, कि अगर किसी सॉल्यूशन में अगर आप डाइल्यूशन कर रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ेगा, मोल्स कॉन्स्टेंट रहेगा और मोलैरिटी डिक्रीज करेगा. अब हम आते हैं इसके फॉर्मूला पर, कैसे फॉर्मूला हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसका
इनिशियल, दिस इज माय इनिशियल कंडीशन, दिस इज माय इनिशियल कंडीशन। आप मान लो कि इनिशियल कंडीशन में इसका मोलैरिटी m1 है, एज्यूम करता है कि आपने यहां पर एक सॉल्यूशन लिया, ये क्या है, दिस इज योर सॉल्यूशन, जिसमें आपने एज्यूम किया कि इनिशियल कंडीशन में इसका मोलैरिटी m1 है और इसका वॉल्यूम v1 है। हमने क्या बोला, आपने क्या एज्यूम किया कि इनिशियल कंडीशन में इसका मोलैरिटी m1 है और इसका वॉल्यूम v1 है। तो अब ये बताइए कि आपको पता है कि सिंस मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, देयरफॉर जो हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा वो कितना हो जाएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। लेकिन आपने मोलैरिटी को क्या एज्यूम किया, m1, तो ये m1 हो जाएगा, वॉल्यूम क्या किया m2, m2, तो दिस इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट व्हेन इट इज द इनिशियल कंडीशन, मतलब इसमें कोई भी डाइल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट, आफ्टर डाइल्यूशन, अब आपका अगर ये एक सॉल्यूशन है, अब इसमें आपने डाइल्यूशन को स्टार्ट कर दिया, तो अब ये मेरा हो जाएगा कंडीशन आफ्टर डाइल्यूशन, कंडीशन आफ्टर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन होने के बाद मेरा कंडीशन क्या होगा। तो अभी हम बोले थे कि जब भी आपका डाइल्यूशन होगा तो वॉल्यूम एंड मोलैरिटी चेंज होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट रहेगा। तो जब डाइल्यूशन हुआ तो मैं एज्यूम करता हूं कि जो इसका इनिशियल मोलैरिटी m1 है अब ये चेंज होके हो गया m2। हमने क्यों m2 लिखा, फिर से यार हमने पहले ही बोला था कि ऑन डाइल्यूशन मोलैरिटी डिक्रीजेस, मतलब मोलैरिटी चेंज होना ही होना है। तो अगर हम यहां m1 लिए तो मैं यहां पर m2 ले लिया। दूसरा, वॉल्यूम, हमने क्या लिखा कि जब डाइल्यूशन कर रहे हैं तो मेरा वॉल्यूम बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि आप पानी ऐड कर रहे हो ना, तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब जो आपका इनिशियल वॉल्यूम था वो आपका वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन नहीं होगा, वो उससे कुछ डिफरेंट होगा। तो मैंने इसका एज्यूम कर लिया v2, लेकिन डाइल्यूशन होने के बाद भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट होता है, क्यों, क्योंकि आप सॉल्यूट नहीं ऐड कर रहे हो, आप केवल वाटर ऐड कर रहे हो। तो इसका अगर हम बात करें मेरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो वो कितना हो जाएगा, m2 v2। अब आप क्या देख रहे हो कि जब डाइल्यूशन नहीं था तब भी मेरा मोल्स ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट, जब हमारा डाइल्यूशन हो गया तब भी हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर वी कैन से दैट, सपोज मान लो ये इक्वेशन नंबर छोटू है और ये इक्वेशन नंबर छोटू भी, वी कैन से दैट कि सिंस मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज कॉन्स्टेंट इन बोथ केसेस, देयरफॉर फ्रॉम छोटू ए एंड छोटू बी वी गेट। अब देखो दोनों का एनएचएस इक्वल है तो आरएचएस बाय डिफॉल्ट इक्वल होना पड़ेगा, therefore we can say m1 v1 is equal to m2 v2, therefore we can say that m1 v1 is equal to m2 v2। यही आपका हो गया क्या, dilution formula, क्या आपका हो गया, this is your dilution formula। एक बार आप इसको देखें, copy करें, समझें, लिखें, analyze करें, हम इस पर numerical करवाएंगे अगले क्लास में, फटाफट कॉपी करें इसको जल्दी।
चलो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने सब इसको कॉपी कर लिया। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं मिक्सिंग ऑफ मोलैरिटी। माय नेक्स्ट टॉपिक इज मिक्सिंग ऑफ मोलैरिटी। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, मिक्सिंग ऑफ मोलैरिटी। इट इज मिक्सिंग ऑफ मोलैरिटी। नाउ वी आर गोइंग टू मिक्स टू मोलैरिटी। और अब तब देखना है कि जब मैं दोनों मोलैरिटी को मिक्स किया तो मेरे को मिक्सिंग करने के बाद रिजल्टेंट मोलैरिटी क्या हो रही है, क्या आ रहा है, मेरे को वो देखना है। तो सबसे पहले बात है इसका कंडीशन कि ये किस किस कंडीशन पर डिपेंड करेगा। हमने क्या बोला, ये किस किस कंडीशन पर डिपेंड करेगा। तो याद रखिएगा मिक्सिंग ऑफ मोलैरिटी केवल दो ही केस में होगा। जब पहला केस कि आपको तो पहले दो तो मिनिमम दो सॉल्यूशन तो लेना ही लेना है। अगर मिक्सिंग ऑफ मोलैरिटी की हम बात कर रहे हैं तो आपको मिनिमम दो सॉल्यूशन लेना ही लेना है। उसके बाद जो पहला कंडीशन है कि वो दोनों सॉल्यूशन सेम हो सकते हैं, और दूसरा अगर दोनों सॉल्यूशन सेम नहीं है तो एटलीस्ट उन दोनों में एक आयंस कॉमन होना चाहिए। अगर दोनों डिफरेंट हो गए तो इसके लिए मिक्सिंग ऑफ मोलैरिटी इज नॉट एप्लीकेबल। हमने क्या क्या बोल दिया, पहले मैं उसको एग्जांपल लेके समझूंगा, फिर हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज माय मिक्सिंग ऑफ मोलैरिटी। सारे के सारे दिल और ध्यान खोल कर सुनो, क्योंकि जो पढ़ाई होती है वो हमेशा 90 डिग्री पर होता है, 180 डिग्री पर पढ़ाई नहीं होती। पूछो कैसे, अगर आपने इस कान से सुना और इस कान से अगर आउट कर दिया, ये हो गया 180 डिग्री, पढ़ाई नहीं हुआ। इट शुड बी 90 डिग्री, यहां से घुसा और ऊपर गया ब्रेन में, यहां से एंट्री किया ऊपर गया। तो अगर 90 डिग्री में पढ़ाई करोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। जैसे मिक्सिंग कब होगा, अगर मान लो आप दो सॉल्यूशन ले लेते हैं HCl का, HCl का, दोनों सेम है तो इनमें मिक्सिंग हो जाएगा, दोनों सेम है तो इनमें मिक्सिंग हो जाएगा। सपोज आपने एक बार ये ले लिया NaCl प्लस CaCl2, चलो इसमें क्लोरीन क्लोरीन दोनों में एटलीस्ट एक आयन तो कॉमन है, क्लोरीन प्लस क्लोरीन, तो इनका भी मिक्सिंग हो जाएगा। मान लो हम ले लिए NaOH प्लस CaOH का होल टू, दोनों में OH है तो दोनों में तो एक आयन कॉमन है तो इनमें मिक्सिंग हो जाएगा। लेकिन अगर आपने दोनों अलग अलग ले लिया HCl एंड NaOH, ये दोनों सेम भी नहीं है, दोनों के बीच कोई आयंस भी कॉमन नहीं है, तो इनका मिक्सिंग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये आपस में रिएक्ट करके नया सब्सटेंस बना रहे हैं। क्या करेंगे, ये आपस में रिएक्ट करके नया सब्सटेंस बना लेंगे। तो मिक्सिंग ऑफ पोलैरिटी कब होगा, अब आपके दिल से आवाज आएगी समझने के बाद कि मिक्सिंग ऑफ पोलैरिटी वो सॉल्यूशन के बीच होते हैं जिनमें मिनिमम टू सॉल्यूशन होना चाहिए। अरे हाँ कि ना, और सॉल्यूशन ऐसा हो कि चाहे दोनों सॉल्यूशन सेम हो, अगर सेम नहीं हो तो उन दोनों के बीच एटलीस्ट एक आयन कॉमन होना चाहिए। अगर दोनों अलग अलग हैं तो इनकी मिक्सिंग नहीं होगी। तो समझ में आया, चल तो पहला हम लिखते हैं कि मिक्सिंग ऑफ मोलैरिटी
मिक्सिंग ऑफ मोलैरिटी इज एप्लीकेबल टू एट लीस्ट टू सॉल्यूशंस which have the following conditions number 1 condition the two solutions should be same The two solutions should be same. Example, ये example this one. Second point, if two solutions are not same, then At least one ion should be common in them. अगर दोनों सेम नहीं है तो दोनों के बीच में एटलीस्ट एक आयन कॉमन होना चाहिए इसका एग्जाम्पल ये भी है ये भी है और तीसरा पॉइंट इट इज Not applicable. It is not applicable to different substances. अगर different substance है तो mixing of polarity is not applicable. Why? Because when we are going to mix these two, they are going to form some other compound. They are going to form some other तो ये हमारा तीन कंडीशन है अब इसके कैसे हम फॉर्मूला यूज करते हैं कैसे क्या करते हैं मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं सबने कॉपी पर चलो मैं यहीं पर शुरू करता हूं जैसे मान लो हम स्टार्टिंग में दो सॉल्यूशन लिए हैं एक का नाम दे दिए M1 एक का नाम दे दिए V1 इसका नाम दे दिए M2 इसका नाम दे दिए V2 हम क्या बोल रहे हैं मिक्सिंग हमने क्या किया एक तीसरा कंटेनर जिसमें हमने इन दोनों को इसमें डाल दिया तो अब इसमें क्या आ गया इसमें जो हमारे सॉल्यूशन दोनों आ गए तो अगर इसका हम मानते हैं कि इसका मोलैरिटी MR होगा वॉल्यूम हो जाएगा V टोटल और अगर मान लो इसका नंबर ऑफ मोल्स N1 है और इसका अगर नंबर ऑफ मोल्स N2 है तो इसका N टोटल नंबर ऑफ मोल्स टोटल ठीक है तो हमें रिजल्टेंट मोलैरिटी निकालना है ये हमें निकालना है कि दो मोलैरिटी जब हम मिक्स कर रहे हैं जब हम दो मोलैरिटी को मिक्स करेंगे तो मेरा रिजल्टेंट मोलैरिटी कितना होगा इसे हमें निकालना है सेकेंड हमें निकालना है कि दोनों मिक्सिंग के बाद हमारा वॉल्यूम टोटल कितना होगा ये V1 प्लस V2 तीसरा अगर हम दोनों को मिक्स करेंगे तो मेरा दोनों मोल्स ऐड हो जाएगा और जो मेरा मोल्स टोटल है ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा N1 प्लस N2 क्या हो जाएगा N1 प्लस N2 तो हम इन दोनों को कैसे लिंक करेंगे देखिए ऐसे होगा कि मोलैरिटी रिजल्टेंट इनटू वी फाइनल या छोड़ो ऐसे नहीं लिखा ऐसे हो इनिशियल मोल्स कितना था N1 इसमें कितना था N2 जब दोनों को मिक्स किए तो क्या आ गया N टोटल अब हम N1 को क्या लिख सकते हैं N1 इज इक्वल टू M1 V1 जो पहले बताया आपको और यहां से हम N2 क्या लिख सकते हैं N2 इज इक्वल टू M2 V2 तो M1 क्या हो जाएगा M1 V1 N2 क्या हो जाएगा M2 V2 इज इक्वल टू N टोटल क्या होगा N टोटल क्या हो जाएगा मोलैरिटी रिजल्टेंट इनटू V टोटल
टोटल क्या हो जाएगा, मोलैरिटी रिजल्टेंट इनटू वी टोटल। इसको और कैसे आप लिख सकते हो, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू इज इक्वल टू एम आर वी वन प्लस वी टू। तो यहां से हमारा एम आर कैसे निकलेगा, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू डिवाइडेड बाय वी वन प्लस वी टू। ये हो गया हमारा रिजल्टेंट मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग टू सॉल्यूशंस। क्या हो गया, रिजल्टेंट मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग टू सॉल्यूशन। क्लियर है, यहां तक आप समझो, कॉपी करो। अब सपोज मान लीजिए वो तो दो कार्य, मान लो कि अगर मेरे पास थ्री सॉल्यूशंस है, अगर मेरे पास थ्री सॉल्यूशन है तो फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल है, एम ऑफ आर इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्लस एम थ्री वी थ्री डिवाइडेड बाय वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। सिंपल, मान लो मेरे पास चार सॉल्यूशन है, फोर सॉल्यूशन, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम आर विल बी इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्लस एम थ्री वी थ्री प्लस एम फोर वी फोर डिवाइडेड बाय वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस वी फोर। मतलब जितने शब्दों का शब्दों हम जोड़ते रहेंगे हर बार मेरे को क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट मोलैरिटी। वो समझ में आया, हाँ कि ना, क्लियर है, यहां तक कॉपी करो आप फटाफट, जल्दी कॉपी करो, समझते हैं इसको। चलो नेक्स्ट आते हैं। अब देखो बेटा, कभी कभी क्या होता है ना कि अगर आपको जेई और नीट देना है, कभी कभी वो इसको ना समेशन के फॉर्म में पूछता है। देखो कैसे, अगर मान लो हमें लिखना है, सपोज अगर इसको हमको लिखना है समेशन फॉर्म में, तो हम क्या लिखेंगे, देखो एम आर विल बी इक्वल टू समेशन, क्या लिख दिए हम, समेशन, जो लिखा है इसी को लिखो एम वी बाई वी, क्या लिखोगे, एम वी बाई वी, समेशन ऑफ वी। क्लियर है, तो अब देखो एम वी बाई वी समेशन ऑफ वी में क्या होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमने क्या लिखा, एम आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम वी डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ वी। अब आप देखो, मैंने अगर यहां पर सिंबल आई लिया, इधर आई, इधर आई, अब देखो कितना नंबर है, एक और दो, यानी आप समेशन का वैल्यू थोड़ा बड़ा लिखते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। मान लो अगर इसका हम लिखते हैं एम आर इन टर्म्स ऑफ समेशन, तो ऐसे लिखना समेशन ऑफ एम वी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वी। आप कोई भी सिंबल, मान लो मैंने आई लिया, इधर आई, इधर आई, इधर आई, अब देखो आई बराबर वन लिख देने का, आई बराबर वन, ऊपर वैल्यू काउंट करो कितने सॉल्यूशन है, एक और दो, तो आई बराबर वन से टू, आई बराबर वन से टू, ये होता है आपको समेशन लिखने का। सपोज मान लो इसका लिखना हो हमें, तो हम क्या लिखेंगे, एम आर इज इक्वल टू, पहले ये लिखो समेशन ऑफ एम वी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वी। मान लो आप जे लेंगे, ले लो जे, यहां भी जे, यहां भी जे, तो इधर भी जे इज इक्वल टू वन, जे इज इक्वल टू वन। अब ऊपर का लिमिट आपको सॉल्यूशन काउंट करना पड़ेगा, एक दो तीन सॉल्यूशन, तो यहां भी थ्री हो जाएगा, यहां भी थ्री हो जाएगा, समझ में आया। अगर इसकी हम बात करें तो एम आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम वी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वी। सपोज मान लो हमने यहां भी एक्स लिया, इधर भी एक्स, इधर भी एक्स, तो यहां भी एक्स होगा, यहां भी एक्स बराबर वन, एक्स बराबर वन, काउंट करो कितने आपके सॉल्यूशन है, वन टू थ्री फोर,
x बराबर 1 से 4, x बराबर 1 से 4, ये क्या हो गया हमारा मोलैरिटी इन समेशन। तो आपसे कभी कभी इस टर्म्स में भी पूछ सकता है। अब देखो सपोज हम मान लो हमको ये दिया है और ये लाना है, तो हम क्या करेंगे, रुको थोड़ा हम बात पर चेंज कर रहे हैं, जस्ट वेट। सपोज मान लो मेरे को अगर ये दिया है ये लाना है, कैसे लाओगे देखो, इधर क्या हो जाएगा, एम आर इज इक्वल टू, देखो पहले आप लिखो एम वी, जे बराबर वन है ना, तो यहाँ पर एम वन वी वन प्लस, फिर लिखो एम वी, ये देख रहे हो कि वन से थ्री जा रहा है, मीन्स वन टू थ्री, वन से थ्री मीन्स वन टू थ्री, तो अगला क्या हो जाएगा, एम टू वी टू प्लस एम थ्री वी थ्री बाई, अब नीचे आ जाओ, v ऑफ j 1, v ऑफ j 2, v ऑफ j 3, क्योंकि j 1 से j 3 है, मतलब 1 2 3। अगर इसकी हम बात करें तो कितना हो जाएगा, देखो 1 से 4 है मींस 1 2 3 4, 1 से 4 मींस 1 2 3 4, तो 1 पुट करेंगे क्या होगा, m1 v1, 2 पुट करेंगे तो m2 v2, 3 पुट करेंगे तो m3 v3, 4 पुट करेंगे तो m4 v4, डिवाइडेड बाय नीचे v1, v2, v3, v4, ऐसे आप किसी टर्म्स में लिख सकते हो, एग्जाम वाले कंफ्यूज करेंगे तो हम उम्मीद करेंगे हमारे बच्चे इसमें गलत नहीं करें। चलो नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब देखो बेटा इस पर जो क्वेश्चन आता है मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग पर, इसके क्वेश्चन में हमारे दो टाइप्स हैं। चलो हम बात कर रहे हैं केस वन का, हमने क्या बात किया केस वन, सपोज मान लीजिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें हमने लिया है m1 मोलैरिटी, m1 v1, नंबर ऑफ मोल्स बराबर m1। एक हम दूसरा केस लिए हैं मोलैरिटी इसका m2 है, वॉल्यूम v2, नंबर ऑफ मोल्स n2। और हम तीसरा लिए हैं मोलैरिटी बराबर m3, वॉल्यूम v3, नंबर ऑफ मोल्स बराबर n3। अगर हम इस तीनों को एक कंटेनर में डाल देते हैं तो जो हमारा मोलैरिटी रिजल्टेंट वो निकालना पड़ेगा, जो मेरा वॉल्यूम टोटल है वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा v1 प्लस ऑफ v2 प्लस v3, और जो मेरा मोल्स टोटल है वो कितना हो जाएगा, n1 प्लस n2 प्लस n3। अब इन तीनों को जोड़ रहे हो, इसमें सब सॉल्यूशन पड़ गए, तो अब क्या देख रहे हैं कि मेरा जो n टोटल है दैट इज इक्वल टू n1 n2 प्लस n3। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ n टोटल, ये क्या हो जाएगा, मोलैरिटी रिजल्टेंट वॉल्यूम टोटल। n1 का फॉर्मूला हो जाएगा m1 v1, n2 का हो जाएगा m2 v2, n3 का होगा m3 v3। तो जो हमारा मोलैरिटी रिजल्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 divided by v total, और इसको क्या आप लिख सकते हो, m1 v1 प्लस ऑफ m2 v2 प्लस ऑफ m3 v3 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 प्लस v3। ये हमारा केस वन का क्वेश्चन ऐसे बनता है। अगर हम सेकेंड केस की बात करें तो ये क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, ऐसे कि मान लीजिए आपका ये कोई सॉल्यूशन है मोलैरिटी m1 वॉल्यूम v1 नंबर ऑफ मोल्स n1, अगर ये दूसरा है मोलैरिटी m2 वॉल्यूम v2 नंबर ऑफ मोल्स n2, तीसरा है मोलैरिटी m3
वॉल्यूम बी थ्री नंबर ऑफ मोल्स एन थ्री, और अगर चौथा हमें केवल दे दिया गया है 1 लीटर वाटर। चौथा में क्या दिया गया है 1 लीटर वाटर। अब क्या करोगे, अब आप इन चारों को एक कंटेनर में डालो, इन चारों को जब आपने एक में डाला तो वॉट एवर द मोलैरिटी आई एम गोइंग टू गेट इज मोलैरिटी रिजल्टेंट। जो वॉल्यूम टोटल आएगा वो कितना हो जाएगा, वी वन वी टू वी थ्री प्लस 1 लीटर ऑफ वाटर, और जो मेरा मोल्स टोटल आएगा वो कितना आ जाएगा, एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री। जब आप सबको मिक्स करेंगे तो क्या आएगा, एन टोटल इज इक्वल टू एन वन एन टू एन थ्री। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एन टोटल इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, क्या आएगा, मोलैरिटी रिजल्टेंट इनटू वी टोटल इज इक्वल टू एन वन क्या हो जाएगा, एम वन वी वन, एन टू क्या हो जाएगा, एम टू वी टू, एन थ्री क्या हो जाएगा, एम थ्री वी थ्री। तो हमारा क्या हो जाएगा, मोलैरिटी रिजल्टेंट इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्लस एम थ्री वी थ्री डिवाइडेड बाई V total divided by V total, or your molarity resultant is equal to M1 V1 plus M2 V2 plus M3 V3 divided by V1 plus V2 plus V3 plus of 1 liter of H2O। यही दो तरह का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं, एक जिसमें केवल सॉल्यूशन का मिक्सिंग हो, दूसरा सॉल्यूशन के साथ कुछ एक्स्ट्रा वाटर का मिक्सिंग हो। तो पहले आपको पता है कि जब वाटर का मिक्सिंग होगा तो हमारे मोल्स में तो कोई चेंज नहीं आएंगे, लेकिन वॉल्यूम हमारा बढ़ जाएगा। तो हमारे मोल्स में कोई चेंज नहीं है, लेकिन वॉल्यूम टोटल में हम वो 1 लीटर ऑफ वाटर को ऐड करेंगे। याद क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन गुड बाय।